यहाँ पे आने के बाद मुझे ऐसा लग रहा है कि पूछो मत मैं कहाँ आ गया हूँ। मतलब इतना बढ़िया मंदिर बनाया भाई साहब, मैंने इमेजिन नहीं किया था। मैंने वीडियो वीडियो में देखा था इंस्टाग्राम वगैरह पे जब ओपनिंग हुई थी, बट अब मैं लाइव देख रहा हूँ। हरे कृष्णा। तो आज हम जा रहे हैं रोहिणी टेम्पल, अभी हम लोग रेडी हो रहे हैं। एक्चुअली मेरे घर पे आए हैं हमारे संजू प्रभु जी, रोहित प्रभु। तो हम लोग अभी रात भर रुके हुए थे यहाँ पे, तो अभी हम लोग रेडी होके मंदिर के लिए निकल रहे हैं। तो रोहिणी टेम्पल जो खुला है वो बहुत ही बेस्ट ऑफ द बेस्ट टेम्पल खुला है, बहुत ही भव्य मंदिर खुला है। वहां पर जाके मैं रोहिणी टेम्पल के पूरा दर्शन कराता हूँ आप लोगों को। इस्कॉन टेम्पल बनता है ना भाई, तो बहुत तगड़ा ही बनता है ना, नकली नहीं बनता। ऐसे छोटा मोटा टेम्पल बना दिया और भीड़ बहुत तगड़ी लगती है। और आज है वहाँ पर कीर्तन मेला, और बड़े बड़े जो दिग्गज संत हैं उनके दर्शन कराऊंगा, जैसे हिज होलीनेस लोकनाथ स्वामी महाराज जी हैं, मधुरिका देवीदासी माता जी हैं, बहुत सारे डिवोटीज जो मायापुर में कीर्तन करते हैं, बड़े बड़े संकीर्तन मेला करते हैं, वो डिवोटीज वहाँ पे आएंगे, तो सबके दर्शन होंगे आप लोगों को। छोटी छोटी क्लिप डालूंगा लेकिन मजा आ जाएगा आप लोगों को। हरे कृष्णा प्रभु जी आइए। हरे कृष्णा एवरीवन। आज हम जा रहे हैं रोहिणी टेम्पल, तो कैसा लग रहा है आपको? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। और पता है आप सब लोगों को कि रोहिणी जो टेम्पल है वो काफी टाइम से बन रहा था। यस। तो अब जाके फाइनली वो बना और उसमें कीर्तन मेला चल रहा है, ऑलमोस्ट एक हफ्ते से चल रहा है। कहने को तो डेट दी थी कि भाई 3 मतलब 19, 20, 21, बट जितने भी दिग्गज संत है, जितने भी बेस्ट कीर्तन याद है, सारे वहाँ पे आ रहे हैं। हम लोग बहुत एक्साइटेड है। हम ऑलमोस्ट 2 दिन से कंटिन्यू जा रहे हैं, बट हमने सोचा कि आप लोगों को भी क्यों ना दिखाया जाए, तो श्यामपाल प्रभु जी की वजह से आप सब लोग भी इस कीर्तन मेला का आनंद ले पाएंगे। हरी बोल। रोहित प्रभु जा रहे हैं वहाँ पे कीर्तन करने, ये वैसे कीर्तनिया है लेकिन हम लोग रोहित प्रभु क्या कहना चाहोगे आप? प्रभु जी मेरे आंखों की आज कीमत बहुत ज्यादा हो गई, जो मैं इतने अच्छे अच्छे भक्त का कीर्तन सुन पाऊंगा, उनको अपनी आंखों से देख पाऊंगा, मेरे आंखें अब गोल्डन आइस हो गई। हरी वो दिखाओ क्या चल रहा है सिस्टम बीच गाड़ी में। धोती पहनने के बाद एक चीज होती है कि अगर आपने कुर्ता नहीं पहना कोट तो बस फोन वोन रखने की दिक्कत हो जाती है ना। अरे बीच में ही बोलते हैं उतार दो मेरे को, उतार दो, हाथ धो गए यार भाई, ये ब्लॉग में क्यों ले रहे हो यार? साथ में जाओगे ना हमारे? असलियत तो दिखानी पड़ेगी ना भाई, तुम कैसे हो? असलियत दिखानी पड़ेगी प्रभु जी इनकी भाई। तो प्रभु ये मेरी स्कूटी तो दिखाओ। ये स्कूटी में देखो क्या सिस्टम हो गया। ये श्यामपाल प्रभु जी ने जो पाल रखे ना अपने घर के आसपास, तोते तोते नहीं वो कबूतर कबूतर। हेलमेट लगाना है यहाँ पे? नहीं प्रभु जी कोई दिक्कत नहीं, सारी डिवोटीज। अरे भाई ये हेलमेट गिरा दिया यार, क्या बंदे हो, बंदी नहीं हुई थी, मैं चेक कर यार, हेलमेट गिरा दिया प्रभु जी का यार। चलो प्रभु जी अंदर चलते हैं। इसको देख के ना मुझे जयपुर में किला है आमेर फोर्ट, उसकी याद आ रही है इसको देख के मुझे एकदम। हाँ। किला महल पूरा एज इट इज लग रहा है, महल लग रहा है ना, महल तो है भी, तो राधा रानी का महल है भैया, बिल्कुल तब लगेगा नहीं। हाँ तो महल ऐसे ही होते हैं, झरोके कितने बढ़िया लग रहे हैं, कितना सुंदर लग रहा है, बहुत सुंदर लग रहा है। हरे कृष्ण प्रभु जी, क्या कहोगे राधा रानी के महल के बारे में? महल के बारे में कहेंगे कि बहुत सुंदर है, और हमें हमारे वाले टेंपल का भी इंतजार है, इस्कॉन द्वार का, जल्दी से जल्दी बने, फिर हम भी वहाँ भर भर के सेवा करेंगे। यस हरि बोल। इससे भी पूछो रोहित प्रभु, थोड़ा रिव्यू दीजिए ना। ये भालू है हमारे, कुछ नहीं बोलेंगे। चलो चलिए, यहाँ से एंट्री है, अभी ये है ग्राउंड फ्लोर, अभी ये जो नीचे वाला है फ्लोर वो वाला है। अभी जो आपने देखा ये पूरा ग्राउंड फ्लोर है, जैसे एंट्रेंस हो गया, एंट्रेंस जैसे हम करते हैं फिर सामने हमें दिखता है गोविंदा, देखो गोविंदा दिखाओ। yes. ये गोविंदा है अंदर। यस 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 पूरा बड़ा मस्त बना हुआ है एकदम, बढ़िया बढ़िया प्रसाद हम पाएंगे यहाँ पे, सब मजा आ जाएगा। हरी बोल। ये फर्स्ट फ्लोर है, सीढ़ियाँ खाता खुला एरिया, बैठ के चाहे जंप करो है ना, जब भी करना, और यहाँ करोगे क्या बैठ के? हाँ, और यहाँ का देखो ना, यहाँ का व्यू देखो, एक बाहर आपको कहीं घूमने जाने की जरूरत ही नहीं है। आप एक बार टेम्पल आ जाओगे ना, आप सोचोगे यार किसी किले विले में जो जाते हैं ना, पर आप अपना एक टाइटैनिक वाला पोज भी मार सकते हैं। यस पीछे हवा चलेगी। यस यार दिल्ली वाले ना किला वगैरह में जाते हैं, ठीक है, तो किला में भी नहीं जाते। हाँ वो जाते कब्रिस्तान में, कब्रिस्तान है वो, क्या है कब्रिस्तान ही तो। यस 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 और क्या है। तो अगर आप यहाँ आते हो ना, तो पहली बात तो स्पिरिचुअल फीलिंग है, ठीक है, दूसरी बात आप अगर किले में घूमना चाह रहे हो तो यहाँ से देख लो, व्यू देखो नीचे का,
ये देखो हरा भरा पूरा, इस भीड़ भाड़ भरी जिंदगी में हाँ ये सुंदर सा महल हमारी श्रीमती राधा रानी हमारे ठाकुर जी का, जो कि आज ये जो मंदिर, सबसे मेन बात बताऊं, आज जो ये मंदिर आप इतने सुंदर सुंदर मंदिर देख रहे हो ना, इसके पीछे सिर्फ एक ही व्यक्ति का, यूं कहूं कि एक व्यक्ति का क्या बोलते हैं, और योगदान, यस एक व्यक्ति का योगदान है, वो है हमारे जगत गुरु श्रील प्रभुपाद। जैसे उनके आगे लगाया जाता है ना जगत गुरु, तो एक्चुअल में वो जगत गुरु है, वो इस टाइटल को, मतलब खैर वो तो इस मटेरियल वर्ल्ड के है ही नहीं, वो तो भगवान के स्पेशल जो होते हैं ना एकदम स्पेशल पर्सन, वो है जगत गुरु श्रील, और उन्हीं की वजह से हम आज दिल्ली के पूरे यूनिवर्स में, पूरे इस वर्ल्ड में हम इतने सुंदर सुंदर भगवान के, ठाकुर जी के इतने सुंदर मंदिर देख पा रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ जगत गुरु श्रील प्रभुपाद जी की वजह से। ऑल ग्लोरीज टू श्रील प्रभुपाद। तो इस समय हम खड़े हुए हैं एकदम टॉप फ्लोर पे, और मेरे पीछे आप ये सुंदर सा गेट देख सकते हो, सुंदर सी इस पे नक्काशी हो रखी है, अभी हम थोड़ा सा पास से भी दिखाएंगे आपको, और इतना सुंदर गेट, और इसके अंदर इतने सुंदर सुंदर भक्त, और भक्त से प्रेम करने वाले हमारे सुंदर सुंदर, बहुत सुंदर राधा माधव, उनके भी दर्शन कराएंगे। आओ चलते हैं अंदर और दर्शन करते हैं श्री श्री राधा माधव की जय। ऐसा लग रहा है गोलोक धाम आ गए। चलिए डिजाइन देखो, लग रहा है महल से कम, महल से भी लाख गुना बेहतर। यस, हर चीज का डिजाइन देखो, ऊपर से लेके अरी वो देखो, विंडो से देखो, बहुत सुंदर लग रहा है, बहुत सुंदर लग रहा है, और यहाँ पे पेंटिंग लगी हुई है। जिसको महल में घूमना पसंद है वो जरूर आए यहाँ पे, है ना। ये परिक्रमा मार्ग है, मतलब इसमें परिक्रमा लगा सकते हो, अगर आप अंदर दर्शन करने आ रहे हो तो फिर यहाँ से ये रास्ता है, वहाँ से फिर आप बाबा माधव के दर्शन कर। डिजाइन देख रहे हो, ऐसा होता है मंदिर में कहीं, ये महल है, ये राधा रानी का महल है, और महलों में ऐसा हो सकता है, इतना सुंदर लग रहा है, ये क्या भगवान की लीला बनाई हुई है। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी आपको कैसा लग रहा है दिल्ली आके? मैं सच बताऊं, यहाँ पे आने के बाद मुझे ऐसा लग रहा है कि पूछो मत मैं कहाँ आ गया हूँ, मतलब इतना बढ़िया मंदिर बनाया भाई साहब, मैंने इमेजिन नहीं किया था, मैंने वीडियो में देखा था इंस्टाग्राम वगैरह पे जब ओपनिंग हुई थी, बट अब मैं लाइव देख रहा हूँ, तो आप मेरे जितने भी लोग ये देख रहे हो ना या सुन रहे हो, तो भाई समय निकालो आओ मंदिर, मैंने ऐसा मंदिर, ऐसा डेकोरेशन, ऐसा मतलब ऑल देखो, एक एक चीज़ें देखो, ऐसा मैंने नहीं देखा था, तो आप जरूर आओ दर्शन करो और आनंद उठाओ। हरी बोल। मैं अभी प्रभु जी से मिला हूँ, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा फील हो रहा है कि प्रभु जी यहाँ पे दिल्ली में आए हैं, इस्कॉन रोहिणी, बहुत बहुत जबरदस्त मंदिर है, तो आप सारे लोग आओ, प्रभु जी बहुत अच्छा भगवद गीता चित्रण कर रहे हैं, तो प्रभुपाद आप पे बहुत कृपा करें। Oh,
Yeah.
Nitai Goranga, Nitai Goranga, Nitai Goranga, Nitai Goranga, Nitai Goranga, Nitai Goranga.